Hello, welcome students. Now we are going to solve another new exercise of chapter 7, which is exercise 7.3. This is very easy exercise, students. तो फिर सोच क्या रहे, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.3, वही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो आइए देखते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. यहां पे बोल रहा है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 to 9. अगर आपने एक्सरसाइज 7.2 वगैरह देखा हो तो मैंने बताया था आपको कि नंबर यहां पे मैटर करता है, डिजिट मैटर करता है. तो कितना 1 to 9, यानी कितना है 9 डिजिट हमको दिया हुआ है ना. आउट ऑफ 9 डिजिट वी हैव टू यूज 3 डिजिट, क्योंकि बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, 3 डिजिट नंबर बनाना है तो वी कैन यूज ओनली 3 डिजिट. ठीक, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, है ना, कि क्या फॉर्मूला हो सकता है. तो फॉर्मूला हो सकता है टी 9 P9 3. फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देख लीजिए, एन पी आर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है. जो गिवन नंबर है कितना डिजिट दिया हुआ है वो ऊपर, और उसमें से कितना यूज करना है वो नीचे. तो हमारे पास इस फॉर्मूला से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 9 फैक्टोरियल, अब ये देखिए यहां पे 9 माइनस 3 यानी कि 6 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 यानी कि 6, तो 6 फैक्टोरियल तक इसको मिल जाते हैं, 9, 8, 7 और 6 फैक्टोरियल, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतर्गत हुआ तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट ही जाना है. तो फिर आगे हम क्यों जाए, क्यों उतना ज्यादा मल्टीप्लाई करें. तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास अब हमको केवल मल्टीप्लाई करना है. 9 8 जा 72 72 7 जा 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 49 49 और 100, यानी कि इतना. क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड. अब बोल रहा है कि कितने जो है 4 डिजिट नंबर है, ठीक है, जहां पे कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं. यहां 4 डिजिट नंबर पूछ रहा है. अब 4 डिजिट नंबर हमको बनाना है, कोई भी नंबर हमको बनाना है. तो हमारे पास तो केवल 10 ही डिजिट हमारे पास होता है. वो कौन कौन सा होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं डिजिट से तो कोई भी बनता है नंबर. ठीक, तो हमारे पास 10 डिजिट है. कितना है हमारे पास, 10 डिजिट है, जिसमें से कि हम यूज करना है हमको कितना, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है. तो हमको बनाना कितना है, 4 डिजिट नंबर बनाना. लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है कि अगर 10 डिजिट लेंगे जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हुआ, जो इसमें से वो नंबर भी आ जाएगा जिसमें 0 आगे होगा. अब 0 1 2 3 ये 4 डिजिट नंबर हुआ क्या, नहीं बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है. तो क्या करेंगे हम, इसको तो हटाना होगा ना. तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो 4 डिजिट नंबर का वाला जो बॉक्स है 1 2 3 4, यहां पे इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इसको ढक देते हैं. ठीक, ये हम 0 छोड़ के और किसी भी तरीके से इसको भरा जा सकता है. तो इसको भरने के लिए हमारे पास 9 तरीके, कितने तरीके हैं, 9 तरीके. ठीक, तो इसमें 9 तरीकों में से कोई एक तरीका भरा जाएगा. ठीक, अब जो इस 10 डिजिट में से ये एक डिजिट तो कम कर देगा ये, अब 3 डिजिट यानी कि 9
डिजिट का हमारे पास 9 डिजिट हमारे पास हैं अवेलेबल, और उसमें से हमको 3 डिजिट का नंबर बना देना है यहाँ पे। इसको हम फिक्स कर दिए, इसको हम पहले ही ढक दिए। तो अब हम क्या बनाएंगे, सिंस 0 कैन नॉट बी एट स्टार्टिंग प्लेस, सो वी कैन फिल द फर्स्ट प्लेस बाई 9 वेज एंड रिमेनिंग प्लेस प्लेस इज 3। एंड वी हैव थ्री रिमेनिंग प्लस विच इज आर फील्ड बाय 9 डिजिट्स और नंबर जो भी कहिए उससे, ये एक कोई एक हटा लेंगे तो 9 डिजिट अब हम कुछ भी भर सकते हैं। आप तो यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास 9P3 ये हमारे पास ऑप्शन हुआ। तो 9 फैक्टोरियल हो गया ये, और ये 9 माइनस 6 फैक्टोरियल हो गया, तो कितना हुआ 9 माइनस 3 फैक्टोरियल हुआ ये। तो 9, 8, 7 और 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल ये, तो ये तो अभी हमने किया था ना यहाँ पे, कितना 9, 8, 7 क्या था 504। तो हम जो है 504 तरीके से इसको, इन 3 प्लेस को हम भर सकते हैं, और फर्स्ट प्लेस को हम 9 तरीके से 9 तरीके से भर सकते थे। तो वी कैन फॉर्म 4 डिजिट नंबर बाय 9 × 504 वेज विच इज क्या 10 इतना वेज, ये हमारे पास आंसर हुआ। ठीक, इतने तरीके से हम इसको भर सकते हैं। आंसर देख लेते हैं, 7.3 क्वेश्चन नंबर 4536। तो ये हमारा आंसर हुआ स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 3 डिजिट नंबर बनाना है और हमारे पास नंबर अवेलेबल नंबर कितना है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 7। 6 एंड 7, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 7, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 7, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इनसे हमको 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। 3 डिजिट इवन नंबर बनाने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट का बॉक्स 3 डिजिट इवन नंबर, ये 3 डिजिट इवन नंबर लास्ट के बॉक्स में हम 2 या 4 या फिर 6, ये 2, 4, 6 यही रख सकते हैं और तो कुछ रख नहीं सकते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे जब कुछ भी रख सकते हैं तो एक तो इसमें से कम हो जाएगा,
एक इसमें से कम हो जाएगा। तो जब एक कम हो जाएगा तो हमारे पास अब कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, तो 5 ही बचा। तो हम इनको तो लिखते हैं 2, बोला है 2 मेड इवन नंबर वी हैव टू फिल द लास्ट प्लेस बाय इवन नंबर। एंड लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, 2 4 6, 3 तरीके से भरे जा सकते हैं। रिमेनिंग 2 प्लेस हैज टू फिल्ड विद, अब एक नंबर तो यहां पे गैप हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स, ठीक। तो 5P2 ये होगा, 2 ही प्लेस तो भरना है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि 5 4 और 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल से तो ये उड़ी जाना है, तो 20। और फिर ये लास्ट वाले को कितने तरीके से भरना था, 3 तरीके से भरना था, तो वी कैन मेड 3 डिजिट इवन नंबर बाय कितना तरीके, 3 × 20 यानी कि 60 वेज। दिस इज आवर आंसर, ठीक। तो ये 7.3 का 60 वेज, ठीक। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने नोटबुक पर नोट करें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पे मज़ेदार तरीके से बना रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दें, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बोले, डिसलाइक बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं ताकि हम इम्प्रूव करें। तो आई होप कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो कर लीजिए और इसे करिए। देखते हम लोग आगे क्वेश्चन बोर्ड को साफ करने के बाद। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, हमने बोर्ड भी क्लीन कर लिया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तो इवन पूछ रहा है फोर डिजिट नंबर, और एक बोल रहा है कि केवल फोर डिजिट नंबर कितना बन सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल जल्दी से, एकदम बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हमारे पास कितना दिया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल बहुत जल्दी से करते हैं इसको, 1 2 3 4 5, ठीक। इसमें से 4 डिजिट नंबर हमको बनाना पड़ा है, बनाना कितना है 4 डिजिट नंबर, तो 5 out of 4 out of 5, यानी 5 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक, विच इज 5 4 3 2 1, क्योंकि ये 1 फैक्टोरियल आ रहा है, 1 फैक्टोरियल यानी 1, तो यानी कि बस इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टू
5 4 20, 22 40, 43 120, 120। तो नंबर ऑफ क्या बोल रहा था, नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर इज इक्वल टू 120। अब इवन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, इवन नंबर, इवन नंबर के लिए हमको यूनिट प्लेस को फिल करना होगा इवन से, इवन नंबर से यानी टू या फोर से, ये दो। तो टू फॉर्म इवन नंबर वी हैव टू फिल यूनिट प्लेस विद इवन नंबर। वी कैन फिल यूनिट प्लेस बाई टू वेज। अब रिमेनिंग थ्री प्लेसेस आर टू बी फिल्ड बाय कितने नंबर डिजिट्स। तो इसमें से तो वन डिजिट ये ही ले लेगा लास्ट वाला जो, अब ये फोर डिजिट नंबर अगर हम बनाएंगे 1 2 3 4, तो ये तो पहला ले लेगा। अब तो हमारे पास ये तीन फिल करना होगा, और इसमें से 1 2 3 4 5 में से ये कोई भी एक चला जाएगा, तो फोर ही बचेगा ना बाय फोर डिजिट्स। तो क्या हो जाएगा, फोर डिजिट में से बनाना है तो 4P3 ये हुआ ना, थ्री प्लेस हमको भरना है, फोर डिजिट हमारे पास है। फोर फैक्टोरियल फोर माइनस थ्री फैक्टोरियल, 4 3 2 1 1 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 2 24 इतना। वी कैन फॉर्म फोर डिजिट इवन नंबर बाय, और वो कितने तरीके से था, दो तरीके से भरा जा सकता था, ये 24 तरीके से, 24 × 2 यानी कि 48 वेज। तो हमारे पास क्या हो गया, 120 और 48, ये आंसर हो गया। तो आंसर हम लोग देख लेते हैं, आंसर देखते चलते हैं कहीं गलती से कुछ छूट ना जाए। 120 और 48 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजिशन। मतलब कि 8 में से हमको 2 जगह भरना है, एक प्रेसिडेंट का एक वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक। तो बस, तो क्या करना है 5 में, 8P2 यानी 8 फैक्टोरियल, 8 − 2 फैक्टोरियल विच इज 8 7 6 फैक्टोरियल, क्योंकि तो 6 हो ही जाना है ना, 6 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, 8 7 = 56 यस, ये तुम्हारा आंसर हो गया, दिस इज आर आंसर, ठीक। 6 नंबर, सिक्स नंबर क्या यहां पे देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है। 6 नंबर बोल रहा है वैल्यू एन बताना है, ठीक। तो दिया हुआ है n − 1P3 इज टू n P4 इज इक्वल टू 1:9, 1:9 ये देखना। तो इसका मतलब क्या हुआ,
इन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन इन माइनस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल, इस वाले का मतलब हुआ। और इस वाले का मतलब इतना अपॉन इतना, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस फोर फैक्टोरियल ये हो जाएगा, इज इक्वल टू वन अपॉन नाइन, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये एन माइनस वन और माइनस थ्री यानी कि माइनस फोर फैक्टोरियल, ये क्योंकि एन माइनस वन है तो ये भी एन और एन माइनस वन फैक्टोरियल तक इसको लाते हैं, ला सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे फाइव फैक्टोरियल था, फाइव माइनस वन तो फोर, माइनस वन थ्री, माइनस वन टू, माइनस वन वन, एक एक घटाई तो रहे थे, तो इसमें से भी एन एक घटा दे रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे ये एन माइनस फोर फैक्टोरियल तो है ही। अब देखिए इससे क्या हुआ, ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है समझना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एन इज इक्वल टू वन अपॉन नाइन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एन इज इक्वल टू नाइन, दिस इज आर आंसर, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फोर फाइव एंड सिक्स समझ में आ गया हो, कोई ज़्यादा कठिन है नहीं, बस देखना है और कर देना है। मतलब ये सवाल अपने आप बोल रहा है कि हमें करिए, ऐसे हमके बनाइए, ठीक। तो हो जाएगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए और जैसे भी कीजिए इसको नोट कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।